हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी रेसिपी है पराठा। इसे बनाना बहुत ही इजी है, आप इसे घर पर स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपकी राय हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कप मैदे का आटा लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच पीटी शक्कर डालेंगे। यहाँ पर हमने शक्कर को पीस कर लिए हुए हैं और आधा चम्मच हम यहाँ पर बटर यूज़ करेंगे। ये बटर हमने घर पर ही बनाए हुए हैं, आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसे अच्छी तरह से हम सॉफ्टली गून लेंगे। गूनते समय हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने अच्छी तरह से गून लिए, आप देख सकते हैं। अभी हमें इस तरह से अंदर इसे फोल्ड करते हुए इसे पैक करना है। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसे कर रहे हैं, आपको भी सेम इसी तरह से करना है। और इसे अभी हम वही बर्तन में रख देते हैं और इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसे एक बार इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से कर लेंगे उसको। आप देख सकते हैं आटा कितना अच्छी तरह से हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसे गून लिए है। अभी हम इसे इक्वल पार्ट में इसके कट कर देते हैं और इसमें से एक पीस ले लेंगे और इसे इस तरह से गोल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ ये करेंगे। आप देख सकते हैं हम इसे किस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए, हमें सब इसी तरह से करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सब रेडी कर दिए। अभी हम इसमें ऊपर से थोड़ा हल्के तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। और अभी हम इसे ढककर एक घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं और उसके बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक घंटा पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया ये आटा। अभी हम इसमें से एक निकाल लेते हैं और इसे यहाँ पर हम बेल लेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तेल लगा इसे हाथ से थोड़ा इस तरह से प्रेस करना है और अभी आप रोलर की मदद से आप इसे इस तरह से बेलिए। ऐसा लंबा लंबा बेलना है हमें इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे कितना पतला बेला है। अभी हम इसमें ऊपर ब्रश की मदद से तेल लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसे कट करना है। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसे कट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें पूरा सब कट कर दिया। अभी हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते हुए से रोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसे कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका पूरा रोल अच्छी तरह से बना लिया है। अभी हम इसे घुमाते हुए गोल गोल इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, लास्ट का जो एंड पार्ट है वो हमें इस तरह से चिपका देना है और इसे हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए बनाना है। ये देखिए, हमने हाथ से थोड़ा कर दिए थे, अभी हम रोलर की मदद से हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें, हल्के हाथों से ही करना है। ये देखिए, ये रेडी हो गया है अभी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तवे पर हल्के हाथों से तेल लगा लेना है पहले, और पहले चेक कर लेंगे तवा अच्छी तरह से गर्म हुआ या नहीं। उसके बाद हम इस पर जो पराठा बनाकर रखे हुए हैं वो डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमें हल्के हाथों से इस तरह से डालना है और इसे एक साइड से आप पहले हल्का ये कर लीजिए, उसके बाद में इसे पलट दीजिए। आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना है। अभी हम इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं पराठा दिखने में कितना यम्मी दिख रहा है। आप इसे कोरमे के साथ में भी खा सकते हो या तो फिर कोई कबाब वगैरह के साथ में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अभी हम इसमें ऊपर से थोड़ा से तेल या बटर लगा दीजिए। यहाँ पर हमने बटर लगाए हुए हैं और ऐसे अभी इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए, अभी पराठा भी अच्छी तरह से सीख गया है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देख सकते हैं आप पराठा कितना अच्छा दिख रहा है। ये लीजिए फ्रेंड्स, लच्छेदार पराठा रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।